आज मानसरोवर के कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले एक मीटिंग रखी गई, जिसमें कॉलोनी अध्यक्ष मदन सिंह तंवर ने वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा का स्वागत किया एवं कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष मदन सिंह तंवर ने वर्तमान वार्ड नंबर 34 पार्षद धर्म सिंह सिंघानिया पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि पार्षद के द्वारा कभी भी कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं किया गया एवं अध्यक्ष मदन सिंह तंवर ने वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा से कॉलोनी के हितों को देखते हुए कॉलोनी के विकास की एक मुहिम उठाई है, जिसमें वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा ने कॉलोनी वासियों को विश्वास जताया है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद एवं भाजपा को जीत दिलाने के बाद कॉलोनी वासियों की सभी शिकायतों पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा एवं कॉलोनी वासियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय जो पैसे विकास के लिए जाते थे वह लाभार्थियों तक पहुंचते पहुंचते एक चौथाई रह जाते थे, और जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है पूरा का पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करतार सिंह गुज्जर की रिपोर्ट, राजस्थान।